हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लेरिफाई नॉलेज। अरे यार, काफी अच्छी सिनेमैटिक क्वालिटी आ रही है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर क्या ही है ना, शूट ही कर लेते हैं। तो यार, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को कि दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दी क्रोनोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो वो जो है ना आज आ चुकी है। ठीक है, बेसिकली दीज आर दी नोट्स, फ्री नोट्स है, तुम इसे एज अ फ्री ई बुक ऑफ किताब अस्तु भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दिस इज दी एग्जाम टाइम, आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि यहाँ पर कुछ भी पेड आए और तुम लेने से रुक जाओ, किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से जो ना उसे एक्सेस करने से रुक जाओ। सो बेसिकली यार देखो, सबसे पहले तो जितनी भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी आईसीएसई क्लास 10th हिस्ट्री में, यानी जो तुम्हारी बेसिकली अपनी इंडियन हिस्ट्री है, उसकी मैंने हर एक डेट इन नोट्स में डाल रखी है। ठीक है, क्योंकि एट दी एंड डेट, यानी जो डेट्स होते हैं उसके क्वेश्चन तुम्हारे हिस्ट्री पोर्शन में ही पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो हर एक इंपॉर्टेंट डेट तुम्हारी आज इस ई बुक में या फिर इन नोट्स में जो है कवर्ड है। ठीक है, सो बेसिकली एक झलक दे देते हैं, ठीक है, अपनी इस ई बुक को। तो यार देखो, सबसे देखो यार, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब ही क्या है कि जो कि तुम्हारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से यानी आ सकती हैं। ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि जो हर एक डेट गिवन है, कोई सी भी एक डेट उठाई और उसके बारे में बात कर ली, नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, डेट स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है, ठीक है, कि तुमको DDMM और YY वाले फॉर्मेट में दे दी गई हो। ठीक है, इट्स लाइक देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर उसका ईयर ही इंपॉर्टेंट है तो उसे याद कर दो और वो सिंपली हो जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो यार देखो, जो तुम्हारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट है वो है विदो रीमैरिज एक्ट, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में थी ना, 1856। उसके बाद एबोल्यूशन ऑफ सती 1829, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, उसके बाद आता है तुम्हारा मंगल पांडे इंसिडेंट ऑन 29th मार्च 1857, वो यानी जो ग्रीज्ड राइफल वाला इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग ऑफ INC 1857 दिसंबर, उसके साथ साथ सेकंड सेशन ऑफ INC 14th मार्च 1878, इंडियन एसोसिएशन इन 1876 यानी फॉर्मेशन इस टाइम पर हुआ था। उसके बाद 1908 में यार देखो, तिलक वॉज सेंटेंस्ड 6 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट इन मैंडले। उसके बाद देखो, साइमन कमीशन आया था हमारा 1928 में, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915, चंपारण सत्याग्रह हमारा हुआ था 1917 में, अहमदाबाद सत्याग्रह हमारा हुआ था 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था हमारा 1918 में। उसके बाद देखो, नॉन कूपरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिश इन 1920, तो यानी बेसिकली गांधी जी गेव अ कॉल टू नॉन कूपरेशन मूवमेंट इन 1920। उसके बाद यार देखो, गांधी जी कंबाइंड दी August 20 फॉर दी प्रिजर्वेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट विद नॉन कूपरेशन मूवमेंट, यानी जो तुम्हारा बेसिकली हिंदूज एंड मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए ये जो गांधी जी ने काम किया था, बेसिकली दैट वॉज द डे August 20। उसके बाद द रावलेट एक्ट पास इन March 1919, उसका टेरेबल मैसेकेर एट जलियांवाला बाग अमृतसर ऑन April 13, 1919। ठीक है, यानी वो जो हमारा एक यानी ट्रेजेडी हो गई थी उसकी डेट है। डांडी मार्च ऑन March 12, 1930। उसके बाद यार देखो, साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन November 1927। उसके बाद द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1931। उसके बाद जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942। उसके बाद द क्रिस्प मिशन इन 1942 मार्च 1942। उसका सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन January 23, 1897 एट कैटेक इन उड़ीसा। उसके बाद यार देखो, द लॉर्ड वेवल इन 1943 बिकेम दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जैसे हमारे क्लीमेंट एटली जो है ना यानी नए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंग्लैंड में। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th ऑफ अगस्त 1946। ठीक है, तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि तुमको याद रखनी है, कल एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो प्लीज इफ यू जस्ट वॉन्ट टू डाउनलोड दीज नोट्स, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उधर के थ्रू सिंपली डाउनलोड करो, फिर उसका एक प्रिंटआउट निकाल दो यार, और फिर जो है ना जम करके मेहनत करो, एंड दैट्स इट। और इसके बाद जो है अभी तुम्हारे दो नोट्स और आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उन पर काम चल रहा है आज ही के आज, वो भी तुमको मिल जाएंगे, जिससे तुम आज ही जो है ना यार उनका प्रिंटआउट निकाल करके अपनी मेहनत कर सको। ठीक है, सो यार रखते हैं अब इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड यस आज बहुत सारी चीजें, एक 200 MCQ सेशन है उसको भी अटेंड करना है अपन को। सो बेसिकली रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं अब तुम्हारी अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।